झांसी में व्यापारियों ने डीएम आवास पर पहुंचकर बातचीत करते हुए व्यापारी नेता संतोष साहू के ऊपर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा किए गए हमले की घोर निंदा करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता चुन चुन कर उन लोगों को परेशान कर रहा है जो जनता की आवाज़ बन रहे हैं। उन्हें दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये प्रकरण भी कुछ इसी प्रकार का है। नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। झांसी विधायक रवि शर्मा और समाज सेवी संदीप सरावगी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक रूप से दस्ता माफी मांगे। सभी व्यापारियों और समाज सेवियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आंदोलन करने के लिए सड़कों पर वो उतरेंगे। वहीं इस मौके पर नगर विधायक रवि शर्मा, समाज सेवी संदीप सरावगी सहित कई अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। आज इस घटना के उसमें हमारे सदर विधायक जी हम सभी को संबोधित करेंगे और इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि FIR नहीं हुई तो आगे अपन लोग क्या कार्रवाई करेंगे, क्या रणनीति आगे क्या होगी। आप तो हौसला देख रहे हो, आपकी परेशानी, आप बैठो। एक घटना चैनलों पर प्रचार सारे में घटना में व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हुआ और ये सारे लोग एक स्थान पर एकत्रित हो गए। जब इसकी जानकारी मेरे व्यापारी मित्रों ने मुझको दी तो चूंकि ये सारे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, तब मैंने जिलाधिकारी झांसी के पास आकर के व्यापारियों के साथ उनसे मांग की है कि इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और दोषियों पर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। विधायक जी, लगातार कई बार उन पर आरोप लगते हैं इस बात के लिए, और आज तो व्यापारियों की बात है, कभी आम इंसान के लिए, कभी अतकड़ के नाम पे हमेशा गुंडियाई करते हैं, तो इसका क्या इलाज करेंगे आप? सभी विषयों पर आज चर्चा हुई है। निश्चित रूप से ऐसे अतिक्रमण दस्ते को जिससे लोगों को समस्याएं हो रही उसके विरुद्ध मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो भी ठोस कार्रवाई होगी, कार्रवाई जो मजिस्ट्रियल जाँच जिलाधिकारी ने आदेश करती है, कार्रवाई तो हुई ही है ना। झांसी से KKD News संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट।